नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट सर्जन जीएस में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोगों का ये भर भर के कमेंट्स आ रहे थे और इस चीज़ का लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी था कि सर इसका आंसर कि कब आएगा और इसका रिजल्ट कब आएगा। इस चीज़ के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि इस चीज़ का लोगों को डर भी है कि कहीं एग्ज़ाम कैंसिल ना हो जाए, कहीं एग्ज़ाम कैंसिल ना हो जाए। तो इसमें देखिए, मैंने एक वोटिंग पोल भी शुरू करवाया था कि आखिर इसका एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए या नहीं, जिसमें से 60% ऐसे विद्यार्थी थे जो बोले कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए और बाकी 20% थे जो होना चाहिए इसमें शामिल थे, और 20% में बोला कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता एग्ज़ाम कैंसिल हो या नहीं हो। तो मैं उस विद्यार्थी को तो सबसे अच्छा मानता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोस्तों चाहे इसका एग्ज़ाम कैंसिल हो या नहीं हो, जो पढ़ने वाला इंसान है तो एक बार नहीं चार बार तो एग्ज़ाम ले ले भाई, रिजल्ट तो मेरा होना ही है, ये तो एक सिंपल सी बात है भाई। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा जो जिसने बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ने वाला इंसान के लिए कोई वैसा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ना पढ़ने वाले इंसान हैं वो तो बहाना मारेंगे, जो पढ़ने वाले इंसान है वो तो कभी बहाना मार नहीं सकते हैं। तो छोड़िए ये सब चीज़, बात की बात है, मैंने ये चीज़ देखा था, लेकिन आप लोग का जो बेसब्री से एक चीज़ का इंतजार है कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा, वो डेट मैं आप लोग को बता देता हूँ। रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है और जनवरी में आने वाला है, और ये चीज़ पे आप अभी किसी तक वीडियो बनाया नहीं है यूट्यूब पे, और देखो मैं ये वीडियो जब बना दूंगा तब सारे यूट्यूब पे वीडियो आने लगेंगे कि भाई इस तारीख को आपका एग्ज़ाम है, इस तारीख को आपका रिजल्ट होने वाला, इस तारीख को आपका मेडिकल होने वाला, तो ये टोटल चीज़ बताने लगेंगे। तो छोड़िए उससे कोई बात नहीं, हम जो हमसे जितना भी नॉलेज है, जितना भी हमको मिल पाता है, हम रियलिटी चीज़ देते हैं, बाकी दुनिया क्या कर रही है उससे हमको मतलब नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आप लोग का जो रिजल्ट आने वाला है वो कब आएगा, तो रिजल्ट आपको आएगा इधर ही जनवरी में ही आएगा, जनवरी के फर्स्ट से सेकेंड वीक में आएगा। मैं आपको डेट भी बता देता हूँ कि किस डेट को आएगा, मैं मतलब जो तारीख होता है वो भी बता दूंगा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक बता दूँ, लेकिन इतना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फर्स्ट से सेकेंड वीक में आएगा। इसका मेडिकल भी होगा, मेडिकल भी होगा आपका जनवरी के किस डेट में, जो रिजल्ट है आपका कितना, 10 जनवरी को, कितना तारीख को, 10 जनवरी को रिजल्ट आएगा। अब ऐसा नहीं 10 जनवरी को आने का 100% चांस है, मतलब एक संभावना बन रहा है कि आप लोग का 10 तारीख तक रिजल्ट दे देगा, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि 99% है जो आप लोग का 10 तारीख को ही रिजल्ट आएगा। अब देखिए इसमें या तो आपको पहले आ जाए या तो बाद आ जाए, यानी 10 तारीख 11-12 को आ जाए, लेकिन आपको यही फर्स्ट सेकेंड वीक में रिजल्ट आएगा। ये चीज आपको मैं कंफर्म कर देता हूँ, रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, आंसर की साथ में भी आ सकता है या आंसर की इधर भी आ सकता है, आंसर की का कुछ मैं क्लियर फंडर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन रिजल्ट आप लोग का आ जाएगा। आंसर की भी आएगा, चाहे आ गया या फिर रिजल्ट के साथ आए या रिजल्ट के बाद आए, लेकिन आंसर की भी आप लोग का साथ में आएगा। यह चीज़ तो हो गया, और इसका मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ इसका ज़्यादा जाने वाला है नहीं, कट ऑफ इसका मुश्किल से मतलब कि जनरल वालों को 70-75 में मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा, OBC को जिनका 60-65 आ रहा है उनके लिए भी बुला लिया जाएगा, SC ST 58-57 के बीच में इनका बुला लिया जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ एक नॉर्मल कट ऑफ, मतलब इस हिसाब से रिजल्ट होने वाला है, जो चीज़ मुझे न्यूज़ मिली है। तो आप लोग का रिजल्ट है जो 10 जनवरी तक आ ही जाएगा, 11-12 या 8-9, मतलब यही आगे पीछे, इसलिए मैं फर्स्ट सेकेंड वीक बोल रहा था, तो यही कि आगे पीछे आप लोग का रिजल्ट भी आ जाएगा, और दूसरी बात कि आप लोग को कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है नहीं। तो कट ऑफ में वही 70-75 है, और लड़कियां लोग का ही, तो लड़का लोग का भी मैं बता दिया, बाकी लड़कियां लोग का जो कट ऑफ है उनका भी ज़्यादा नहीं है, 58 जनरल कैटेगरी का 58 जाने वाला, 58 से 60 के बीच में है, और OBC का 55-53-52 ऐसे ही रिजल्ट आ रहा है। तो ये चीज़ मैं आप लोग का थोड़ा सा ये न्यूज़ बता दिया कि ताकि आप लोग का भी दिल में थोड़ा सा संतुष्टि हो, ज़्यादा दिन आप लोग का है नहीं, और ज़्यादा दिन अब इंतजार भी नहीं करना, आज कितना 27-28 मतलब कि वही मान लो 8 से 10 दिन टाइम और बचे हैं आप लोग के लिए, तो अब आप लोग का इंतजार की घड़ी समाप्त होती है। और कोई अगर बोलता है कि एग्ज़ाम अगर कैंसिल होगा तो एग्ज़ाम तो कैंसिल अब होने वाला है नहीं दोस्तों। तो आपको कैसी ये जानकारी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कैसे हैं, बहुत अच्छे होंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी भाइयों को राम राम, और चाहे किसी प्रकार का और भी परेशानी हो या कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई 100% दूंगा, या उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों की समस्या सोल्व हो सके।